आओ बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठमाला से पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2। पाठ 2 का नाम है अनोखा हर्ण। अनोखा हर्ण यह एक हास्य कथा है। आज हम केवल इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप भी घर में किताब खोल के मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसे आप कहानी और फिर से उसमें समझाया गया है उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए चले पढ़ते हैं पाठ 2 अनोखा हर्ण। अरे गौरव, संजू, खाना लग गया है, अपने मामा जी को बुला लाओ। अम्मा का दंदनाता हुआ आदेश घर की दीवारों से टकराकर गौरव को झिंझोड़ गया। दोनों भाई माँ के हुक्म का पालन करने नीचे चल दिए। आखिर वे सीढ़ी पर ही थे कि अफा फा पा पा का लगातार होता कर्कश शोर सुनाई दिया। उफ, ये क्या स्वर था? जैसे मल्लयुद्ध की घोषणा का नाद फूटे टिन के नगाड़े पर किया जा रहा हो, मानो हाथी की चिंगार और शियार की पुकार का मिश्रित कलरव किसी जंग लगे भोंपू से होकर गुजर रहा हो। उंगली से कानों को पुजाते हुए गौरव बोला, लगता है मामा जी ने कार का हॉर्न ठीक कर लिया है। बाहर जाकर देखा कि मामा जी कार का बोनट खोले इस घोर निदांत से बेखबर कार के इंजन को देख रहे थे। पास खड़ी पड़ोसी के पालतू लूशी मामा जी की ओर भय मिश्रित अचंभित दृष्टि से देख रही थी। दो राहगीर मुंह खोले उसी ओर देख रहे थे और प्रेस वाला हरिया बिखरे कपड़े समेटता हुआ मुंह में कुछ बुदबुदा रहा था। अवश्य ही हॉर्न की आवाज से चौंक कर उसके हाथ से कपड़े नीचे गिर गए होंगे। मामा जी, खाना, संजू ने आवाज लगाई। सुनते ही मामा जी मुड़े और बोले, ठीक हो गया। उनके काले ग्रीस के धब्बों से सुसज्जित गोरे मुख पर सफलता की स्मित बिखर गई। पुष्ट कंधे घमंड से और सीधे हो गए। प्रसन्नता से उनकी सुडौल कट काठी और भी अधिक प्रतिष्ठित दिख रही थी। वाह मामा जी, वाह, क्या हान है, संजू ने दमदार तारीफ की। मामा जी का चेहरा और भी खिल उठा। उत्तेजित होकर बोले, अरे अंदर से हॉर्न बजाकर फिर से सुनाता हूँ। ना 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 मामा जी, गौरव ने लपक कर उन्हें रोका, कहीं कोई सुनकर नकल ना कर ले, यह तो सारी दुनिया में बस एक ही है। मामा जी गदगद हो गए, पर अम्मा के एक ही वाक्य ने खाना ठंडा हो रहा है सब कुछ चुप कर दिया। चुपचाप तीनों अम्मा के पीछे पीछे भीतर चल दिए। अभी मामा जी ने निवाला मुंह की ओर बढ़ाया ही था कि अम्मा ने पूछा, ये क्या सारा दिन इस खटारे से उलझे रहते हो शुरू? अहूं जी, स्वाद खराब कर दिया नाम लेकर। और यह खटारा नहीं, मेरी पारो है। मामा जी ने रूठने की कोशिश की, अम्मा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। क्यों, तुम्हारा नाम भी बदल गया? मैं तो शुरू ही पुकारती हूँगी, मामा ने दृढ़ता से कहा। मामा जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, फिर वही जीजी, यूरेन बुलाओ। 21वीं सदी की ओर बढ़ना प्रगतिशील नाम, या फिर अपने समय के हिसाब से सुरेन ही कहो। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, जीजी, आज पारो की आवाज लौट आने की खुशी में मैं इन दोनों को आइसक्रीम खिलाने मोती झील ले जाना चाहता हूँ। अम्मा ने सिर हिलाकर आज्ञा दे दी। कुछ अटकते कुछ झटकते हुए मारिस माइनर 1948 का मॉडल यानी पारो फांसती खखारती हुई आगे बढ़ी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक अफा फा पा पा का कर्णभेदी स्वर सन्नाटे को तोड़ मरोड़ गया। मामा जी की आंखें चमकने लगी। दो देखो बोला, मामा जी अभी ठीक से प्रसन्नता जता भी ना पाए थे और गौरव एक संजू हॉर्न की आवाज से संभल भी ना पाए थे कि तीखी सीटी ने उनको चौंका दिया।
कार रोककर देखा, पीछे एक पुलिस वाला गुस्से में दौड़ा आ रहा था। किसके लिए हॉर्न बजा रहे हो? जानते नहीं, यह नो हॉर्न जोन है, वह दहाड़ा। गौरव ने गर्दन घुमाकर देखा तो सड़क के दाईं ओर हॉर्न नहीं बजाने का संकेत चिन्ह बना हुआ दिखाई दिया। तुरंत उसने कोहनी मारकर मामा जी को सावधान कर दिया कि उससे बहस न करे। बड़ी विनम्रता से मामा जी ने गलती स्वीकार की और इस मुसीबत से छुटकारा पाकर आगे बढ़े। मोती झील पर आज काफी भीड़ थी। अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी लड़की को पुकारने लगी, आजा जल्दी चल प्रमिला। अरे घर का आंगन समझ रखा है? मामा जी भुनभुनाए। ब्रेक लगाकर हॉर्न दबाया, कोई आवाज नहीं हुई। महिला से हटकर अब मामा जी का सारा ध्यान हॉर्न पर अटक गया। आश्चर्यचकित मामा जी हॉर्न को निहार रहे थे। गौरव ने संजू को कोहनी मारी और होठ दबाकर मुस्कुराया। तभी नागपुर के संतरे, मीठे बड़े मीठे संतरे, चिल्लाता हुआ एक ठेले वाला उधर से आया। महिला के पास बड़ी उम्मीद से वह रुका, शायद कुछ सौदा बिक जाए। एकाएक अफाफापा की गगनभेदी आवाज उस शोर शराबे में तहलका मचा गई। ठेले वाला हड़बड़ा कर उछला और महिला से जा टकराया। दोनों अपने को संभाल न पाए और गिर पड़े। उधर ठेला पलट गया, सारे नागपुर के संतरे लुढ़कते दूर दूर तक फैल गए। हाय हाय, ऐसे जोर ढीले कर दिए, हाय मुझसे ही भिड़ना था, हाय। महिला बिना रुके एक ही स्वर में विलाप करती जा रही थी। गौरव और संजू ने दौड़कर महिला को संभाला। मामा जी निकल आए। अपने को संभालते हुए ठेले वाला बोला, अम्मा मैं कोई जानबूझकर थोड़े ही टकराया था। यह तो गर्दन घुमाकर वह मामा जी की ओर देखने लगा। खड़ी गाड़ी में ऐसे हॉर्न बजा रहा था जैसे स्टेज पर हारमोनियम बजा रहा हो। सारा माल बिखेर दिया, ठेले वाले ने झलझला कर कहा। मामा जी कुछ कहते न बना, निष्पट भाव से वह गिरे हुए संतरों को स्तब्ध होकर देखते रहे। मामा जी सिर झुकाकर संतरे उठाने लगे तो ठेले वाला गरजा, रहने दो बाबूजी, ऐसा हॉर्न लिए फिरते हो जैसे इंद्र का नगाड़ा। किसी और का न ठेले वाले की बात पूरी की। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा होने लगी। कोई कहता कानफोड़ू भोपू और कोई कहता हड़प्पा की खुदाई में मिला फूटा हुआ बाजा। हॉर्न के लिए एक से बढ़कर एक विशेषण जमा होते गए। किसी तरह जान बचाकर बिना आइसक्रीम खाए तीनों घर लौट आए। सर्दियों की रात में सन्नाटा और भी गहन हो जाता है। पत्ता तक नहीं हिल रहा था। अचानक अफा पा 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 के लगातार निकलते स्वर ने अंधकार और सन्नाटे को भंग कर दिया। हॉर्न जो बजना शुरू हुआ तो उसकी कड़कड़ाती आवाज थमने में ही नहीं आ रही थी। गौरव ने खिड़की से झांका, बारी बारी से मकानों की बत्तियां जलने लगी। अफापापा हॉर्न बजे जा रहा था कि उस शोर में एक और स्वर खन 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 उभरा। गौरव और संजू भागकर छत पर आ गए। देखा नीचे बर्तन बिखरे पड़े थे। तभी धम धम कोई सामने वाले मकान की पहली मंजिल से गिरा। हाय, वह चिल्लाया। चौकीदार की सीटी बजी और थटाक से डंडा पटक उसने उस व्यक्ति को दबोच लिया और चिल्लाया, चोर चोर। सारी गली में उजियारा हो गया था। गौरव और संजू प्रसन्न थे। मामा जी भी निकल आए। आखिर हॉर्न ने कुछ तो किया, चोर पकड़ा गया। सब एक दूसरे को बता रहे थे। कैसे? मामा जी ने पूछा। कैसे और कैसे मामा जी, यह हॉर्न का कमाल है। उसे सुन चोर चौंक कर गिर पड़ा। गौरव ने हंसकर कहा, उस मध्यम रोशनी में भी मामा जी के चेहरे पर दमकता तेज नजर आ रहा था। हॉर्न अभी भी बजे राजा आ रहा था। तभी नीचे से अम्मा ने जोर से टट टपट कर कहा, अरे हॉर्न तो बंद करो। बजने दीजिए बहन जी, सामने वाले घर से
मिसेज मिस्र की मिस्री घुला स्वर आया, इसी के कारण तो मेरे बर्तन बच गए, वरना आज रसोई खाली हो गई होती। मामा जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। क्षण भर को रुके, शायद मिसेज मिस्र की तारीफ का धन्यवाद करने, फिर नीचे अम्मा को देख पारों की दहाड़ बंद करने में लग गए। इस पाठ के कवि का नाम है इरा सक्सेना। आइए चले थोड़े शब्द अर्थ भी पढ़ लेते हैं। दंदनाता तेजी से, कर्कश चुभता हुआ, मिश्रित मिला मिलाया हुआ, स्मित मुस्कान, प्रतिष्ठित इज्जतदार, कर्णभेदी कान फोड़ने वाला, मध्यमिन मंद हल्का, झिझोरना हिला देना, शोर चित्कार चिक, निदांत निनाद, शोर गुंज पुष्ट मजबूत, उत्तेजित जोश भरा, निष्कपट छलरहित, उजियारा उजाला प्रकाश, हुक्म आदेश, मल्लयुद्ध कुश्ती, तेज चमक दीप्ति, सुडोल सुंदर आकार वाला, निवाला टुकड़ा स्तब्ध सहम जाना। बाकी जो ग्रामर के पोर्शन है मैं टिक करके आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, उसे आप अपने किताब में मार्क करके पढ़िएगा। धन्यवाद।